कुछ सालों पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी के इसार नाम का एक सैटेलाइट था, उसने एक बड़ी प्यारी चीज पता की, और वो ये थी कि हमारे सोलर सिस्टम के आसपास कोई तारा नहीं बन रहा है। कुछ प्रकाश वर्ष के अंतर तक, कुछ 200-400 प्रकाश वर्ष के अंतर तक कोई तारा नहीं बन रहा है। और आज तक हमारा जो डेटा था उस वक्त तक का और आज भी, वो ये था कि पूरे ब्रह्मांड में हर 2 बिलियन प्रकाश वर्ष के बीच कोई ना कोई तारा बनता है। याद रखना, हर 2 बिलियन प्रकाश वर्ष के बीच कोई ना कोई तारा बनता है, ये हमारा आज तक का ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जब हमारी ही सोलर सिस्टम को सही से स्टडी किया गया, आसपास के एरिया को, तो हमें पता चला कि ऊपर 400, नीचे 300-400 और आसपास 100-150 प्रकाश वर्ष दूर तक कोई भी तारा नहीं बन रहा है। तो इस ब्रह्मांड में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी मिस्टेरियस है, ठीक है। हम अभी भी ये जान नहीं पाए हैं कि एग्जैक्टली कौन सी चीज हम पर किस तरह से प्रभाव डाल रही है। एक कॉस्मोलॉजी नाम की किताब है, जयंत नारळीकर सर ने लिखी हुई। उस किताब को अगर आप पलटेंगे तो पहले एक दो पानों में ही एक बड़ी प्यारी स्टोरी, उसमें कहते हैं कि अगर हम ब्रह्मांड को देख रहे हैं ना, तो वो वैसा ही है जैसी एक स्टोरी है कि एक पेड़ पर एक छोटा कीट रहता है, कीटक रहता है, जिसकी आयु 1 दिन की, 24 घंटे की उसकी आयु है। वो जन्मता है, कुछ समय के बाद थोड़ा सा घूमता है, खाना खाता है, बच्चों को पैदा करता है, मतलब अंडे दे जाता है, और 24 घंटे होते होते मर जाता है। अब इस 24 घंटे जीने वाले इंसान को क्या समझ आएगा कि पेड़ बड़ा नहीं बड़ा? 1 दिन में पेड़ बढ़ेगा कितना? यहां का पत्ता ऐसा हो जाएगा, इससे दूर नहीं होगा। अगर कोई फांदी भी बढ़ेगी तो इतनी भी नहीं बढ़ेगी कि कोई देख ले, समझ ले। लेकिन क्या होता है ना, एक कीट थोड़ा सा होशियार हो, वो देखता है कि अरे यार, मैं जब जन्मा ना, ये पत्ता थोड़ा ऐसा था, अब ऐसा हो गया। तो वो लिख के जाता है, वो कहता है कि ये पत्ता इतने से इतना हुआ जब मैं मरा। और जब उसका बच्चा जन्मता है, थोड़ी देर के बाद वो पाता है कि अच्छा, पिताजी ने लिखा था ये पत्ता पहले इतना था, अब इतना है, मैं देखूं इसे जरा बार, अरे ये 24 घंटे के बाद और थोड़ा बड़ा। इसी तरह से हम ब्रह्मांड को देख रहे हैं, क्योंकि किसी तारे की आयु करोड़ों वर्ष की है और उसके सामने हमारी ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष। हमारे आयु के सामने तारे की आयु कुछ भी नहीं। जैसे हमारे सूर्य के बारे में हम कहते हैं कि करीब करीब 6 बिलियन साल पुराना है, पृथ्वी के बारे में कहते हैं 5-5.5 बिलियन साल पुराना, इतनी पुरानी, और हमारा 100 साल का, क्या समझ आएगा? फिर भी छोटे छोटे चीजों को देखते हुए हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही अभी हमें तक हमें समझ आया है। मैं तुमसे कहूं कि कुछ साइंस के ही ऐसे एक्सपेरिमेंट है ना जिन्हें हमें बचा के रखा। मैं वैज्ञानिक तरह से नहीं कर रहा हूं। अभी कुछ सालों पहले 1970 में ऐसा हुआ कि जैसे हमने परसों के दिन एक्सप्लेन किया कि हमारे जो पूरा का पूरा नवग्रह है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो हमारे मिल्की वे के बीच से, मतलब सेंटर से 40,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर हमारा जो सूर्य, और वो सूरज ऐसा ऐसा घूम रहा है अपने केंद्र के आसपास, और उसी के साथ सारे ग्रह तारे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं उसके आसपास। ये तो साइंटिफिकली प्रूव है, मैं कोई अलग बात नहीं कर रहा। लेकिन मजे की बात यह है कि कुछ सालों पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी के इसार नाम का एक सैटेलाइट था, उसने एक बड़ी प्यारी चीज पता की, और वो ये थी कि हमारे सोलर सिस्टम के आसपास कोई तारा नहीं बन रहा है। कुछ प्रकाश वर्ष के अंतर तक, कुछ 200-400 प्रकाश वर्ष के अंतर तक कोई तारा नहीं बन रहा है। और आज तक हमारा जो डेटा था उस वक्त तक का और आज भी, वो ये था कि पूरे ब्रह्मांड में हर 2 बिलियन प्रकाश वर्ष के बीच कोई ना कोई तारा बन रहा है। याद रखना, हर 2 बिलियन प्रकाश वर्ष के बीच कोई ना कोई तारा बनता है, ये हमारा आज तक का ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जब हमारी ही सोलर सिस्टम को सही से स्टडी किया गया, आसपास के एरिया को, तो हमें पता चला कि ऊपर 400, नीचे 300-400 और आसपास 100-150 प्रकाश वर्ष दूर तक कोई भी तारा नहीं बन रहा है। और इसके आसपास ना एक ऐसा नटशेल, जैसे होता नटशेल लगा शेंगदाने आते ना, थे भुईमुंग, भुईमुंग पीनट के जो है ना, उसके आकार का, ऐसे डमरू के आकार का एक तरह से, आप उसको महादेव का डमरू मत समझ लेना बाबा, बताने के लिए बता रहा हूं। उसके आकार का ना एक बबल है, ये बबल के कारण अंदर कोई स्टार निर्मित ही नहीं, और इसी के द्वारा हम जीवित भी हैं। क्योंकि अगर एक दो
प्रकाश वर्ष जोर भी कोई बड़ा तारा होता तो वो फूट जाता, तो हम वैसे ही खत्म हो जाते, क्योंकि जब वो फूटता है तब सुपरनोवा बनता है, उससे इतनी ऊर्जाएं बनती है कि दूर दूर तक के ग्रह जल के खाक हो जाए, ठीक है, और इन्हीं के द्वारा हम बचे हुए हैं। और मजे की बात यह है कि हमारे सोलर सिस्टम जो है इसके बीचों बीच है, साइड में भी नहीं है, बीचों बीच है। अभी 2 सालों पहले जो इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर है उसने ये, उसके जो चीफ थी वो लेडी, उन्होंने पता किया, अंदाज है, उन्होंने कहा कि जो भी रिसर्च उन्होंने की और उन्होंने 10-12 सालों तक इस पे काम कर कर एक अंदाजा ये रखा, उन्होंने कहा कि 14 मिलियन ईयर एगो ऐसा हुआ है, उसके पहले नहीं था, ये जो बबल बना ये 14.5 मिलियन ईयर एगो, मतलब करीब करीब 1.5 करोड़ साल पहले बना, उसके पहले ऐसा नहीं था, तो 1.5 करोड़ साल पहले ये सब हुआ। उन्होंने कहा कि 15 ऐसे ग्रह इसके आसपास थे जो कुछ ही समय के, मतलब 100 साल के अंतराल में फूटे लगातार, और जब ये फूटे तो उनसे जिस तरह की पूरा का पूरा वायु निर्मित हुई, उसी वायु ने इसके आसपास एक तरह का प्रोटेक्शन लेयर बनाया। ये कैसे हुआ ये कोई नहीं जानता। और मजे की बात यह है कि जब इस तथ्य को सामने लाया गया, कहा गया कि ये इसका प्रूफ है, तो वैज्ञानिक ने कहा पागल है, 15 सुपरनोवा बनेंगे और जी ले गया, हट, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो तारों को स्टडी करने वाले लोग जानते कि कोई सुपरनोवा अगर प्रकाश वर्ष दूर भी फट जाए ना तो भी हम खत्म हो जाए, और या तो 15-15 फुट रहे। तो इस ब्रह्मांड में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी मिस्टेरियस है, ठीक है, हम अभी भी ये जान नहीं पाए हैं कि एग्जैक्टली कौन सी चीज हम पर किस तरह से प्रभाव डाल रही है। हम आज भी हमारे जो 500 साल पहले बना हुआ जो विज्ञान है ना, उसको, उसकी पता की गई चीजों को एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। और समझना कि ये जो विज्ञान है वो 400-500 साल ही पुराना जा रहा है, ज्यादा पुराना विज्ञान नहीं है हमारा। और अगर तुम ब्रह्मांड की आयु देखोगे तो भाई ये वैसे ही है जैसे उस कीट की दशा है, कि वो कीट देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, लिख के दे रहा है, लेकिन उसको एग्जैक्टली नहीं पता। प्रॉब्लम यह है कि वो जिस पेड़ पे बैठा है उसी के बारे में लिख रहा है, वो सब कुछ नहीं देख पा रहा इस पृथ्वी के आसपास जितने भी पेड़ है। ना ना ना, अभी रिसेंटली एक डिस्कवरी हुई, उसमें पता चला, हमारे किसी ने मुझे वीडियो भेजी थी, ये बायोलॉजी के ऊपर था, ये पेड़ों के ऊपर था, कि 2 पेड़ कुंडी में लगाए गए, एक टेबल पर रखे गए, और 8-10 लोगों को लिया गया, और उन दोनों पे कोई मीटर्स लगाए गए थे कि उसके भीतर होने वाली जो तरंग है उसको जांचा जा सके। इन 8-10 लोगों में किसी भी एक इंसान को ना कहा गया, अननोन इंसान को, कि जाकर एक पेड़ काट डाल। तो उसने अपना चाकू लिया और थड़ 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 बहुत क्रूरता के साथ उस पेड़ को काट, और फिर वैज्ञानिकों ने यह पाया कि उन 8-10 इंसान में से हर एक इंसान को वो दूसरे पेड़ के पास में खड़ा करते, और जैसे ही एक नॉर्मल आदमी आया जिसने वो नहीं किया था तो वो पेड़ नॉर्मल ही रिएक्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो इंसान आया जिसने पहले का पेड़ काटा, अब उसकी फ्रीक्वेंसी बदल, उस पेड़ में कंपन होने लगे भीतर से। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है जब वो पौधों पे काम कर रहे थे कि सारे के सारे पौधे साले एक दूसरे से जुड़े हुए, सब मिलके अपने को बना रहे, हमको दिख रहा है कुछ अलग है लेकिन है नहीं, क्योंकि जब जंगल काटे गए तो उन्होंने पाया कि अगर जैसे ही एक पेड़ कटा, आजू बाजू के जो पेड़ थे उसके दूर दूर तक के, उनमें एक तरह का तरंग या कंपन तुम कह लो, उनकी फ्रीक्वेंसी बदल गई, वो समझ गए कि कुछ खतरा है, वो इतना एक दूसरे से जुड़े, क्योंकि उनका माध्यम है पृथ्वी, तुम कुछ भी कह लो जुड़े हो। तो इस ब्रह्मांड का माध्यम अभी हमने रिसेंटली डिस्कवर किया, हम उसे कहते हैं डार्क मैटर, सब कुछ को जोड़ने जोड़कर रखने वाला, ग्रेविटी नहीं, हम कहते हैं डार्क। तो ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पे कुछ वैक्यूम है, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, कहीं पे डेंस है कहीं पे नल है, जहां पे डेंस है वहां पे कोई तारा बन गया, जहां पे नल है अभी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब नहीं वहां पे। तो ये पूरा ब्रह्मांड किसी जाली की तरह है, ये अब विज्ञान समझ चुका, और एक जगह पर हुई कोई घटना का दूसरी जगह पर इफेक्ट हो रहा है ये भी अब हम समझ, हम ये जानते हैं कि अगर कोई कहीं ब्लैक होल खुद में बड़ा तारा खींच रहा है तो कहीं दूर कोई दूसरा ब्लैक होल फवारा भी फेंक रहा है ऊर्जा,
ये इतना सब कुछ जुड़ा हो। अब हम ये जानते हैं कि अगर कोई बड़ा तारा खत्म होता है और उससे जो स्पेस पाथ बनती है, जो ग्रेविटी की वेव बनती है, वो पूरी हर ओर जाती है और पृथ्वी तक भी आती है और उसका इफेक्ट पृथ्वी पर भी होता है। समस्या इतनी ही है, ये इसे इस तरह से समझो कि जैसे हम यहाँ पास बैठे हैं, मैं जो आवाज़ जो जिस स्पीड से बोल रहा हूँ या जिस आवाज़ या जिस वॉल्यूम से बोल रहा हूँ वो तुम्हें सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर कोई 50 मीटर दूर है तो मेरी ये आवाज़ उसको नहीं सुनाई दे। जो जितना दूर जाएगा इसकी जो कंपन है वो इतनी ही धीरे धीरे उस तक पहुँचेगी, लेकिन अगर कोई 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर पहुंचा है, मैं कितना ही चिल्ला के बात करूं विदाउट माइक और विदाउट स्पीकर, तो पाएंगे कि उस तक आवाज नहीं जाएगी। समझे? ये उसी तरह से कि जो ग्रह तारे पास है उनका प्रभाव डेफिनेटली तुम्हारे ऊपर ज्यादा होगा रादर देन उनका, और वो इतने दूर है बबलू कि तुम समझ भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते। अगर थोड़ा अंदाजा देना है तो मैं इतना ही कहूंगा कि इस छोटे से शहर के, इस छोटे से एरिया में, इस छोटे से घर के, इस छोटे से एक टुकड़े में हर कोई बस 2 फीट के अंतर में बैठा। अगर तुम इस दुनिया को, पृथ्वी को भी देखोगे, तुम पाओगे कि ये 2 फुट में हम हैं। अब इस एरिया को याद करना, इस शहर को, हमारे देश को, इस दुनिया को, ये पृथ्वी को, हमारी सोलर सिस्टम है और हमारा जो पूरा का पूरा गैलेक्सी, इसमें ऐसे करोड़ों तारे हैं जैसे हमारा सूर्य, करोड़ों जैसे हमारा सूर्य है, ऐसे करोड़ों तारे हैं, हमारी ही जैसी पृथ्वी जिसको हम गोल्डीलॉक्स जोन में कहते हैं, ऐसे 4000 से भी ज्यादा ग्रह ढूंढे गए जो गोल्डीलॉक्स जोन में है। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब समझ लो, गोल्डीलॉक्स जोन का अर्थ यह है कि सूरज से कोई ग्रह बराबर उतनी ही दूरी पर है जहां पर उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में चीजें रह सकती। अगर बहुत पास होगा तो गर्म होगा ज्यादा, अगर बहुत दूर निकल गया तो वो ठंडा गिर जाएगा। जैसे प्लूटो है, वो इतना दूर निकल गया कि वो ठंडा पड़ गया। लेकिन मार्स और अर्थ, यही दो हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में ऐसे ग्रह है जो बराबर उस डिस्टेंस पे है जहां पे चीजें पानी, हवा और जमीन के रूप में रह सकती, स्पेशली पानी। जैसे शुक्र ग्रह जो है उसके ऊपर नासा ने जो रिसर्च की, और ये की गई रिसर्च है, तुम पता कर ले, शुक्र ग्रह के ऊपर जो 2 नंबर का तारा है, शुक्र ग्रह के ऊपर जो रिसर्च की गई, वैज्ञानिकों ने पता किया कि 2 बिलियन साल पहले इस पर जीवन जैसी पूरी की पूरी रचना थी। यहाँ पे पेड़ थे, वहां पे पूरा का पूरा पानी था, क्योंकि तब सूरज छोटा था, क्योंकि हमारा सूरज भी विकसित हो रहा था। उसे कहते हैं मेन सेवन स्टार, वो जवान कहते हैं कि जवानी में है। जैसे जवान आदमी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है ना, बूढ़ा बूढ़ा होता है, वैसे हमारा सूरज भी है, उसकी भी आयु बढ़ रही है, तो थोड़ा छोटा था, उसकी जो एनर्जी थी थोड़ी सी कम थी पहले, इसलिए शुक्र भी हरा भरा था। लेकिन समय के साथ जैसे ही सूरज और ताकत का होते चला, हमने पाया कि शुक्र ग्रह पूरा का पूरा खा, और अब बारी पृथ्वी, क्योंकि तुम भी देख रहे हो कि धूप काला रोज बढ़ रहा, तुम पा रहे हो कि हर साल करीब 1-2 सालों में पृथ्वी सूर्य से ऐसे कुछ झंकारे निकल रहे हैं, ऐसे सोलर के पूरे फवारे निकल रहे हैं जो पृथ्वी को खत्म करने की ताकत रख सकते। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि बस कुछ साल और पृथ्वी पर जीना मुश्किल हो जाएगा, अभी ही हो रहा। अगर मैं तुमसे 10 साल पहले की बात करूं पुणे की ही, तुम पाओगे कि पुणे का जो टेम्परेचर है वो 35-36 से ज्यादा नहीं जाता होगा, आज 42 क्रॉस कर रहा है, आज के 10 साल के बाद 48 नहीं जाएगा, इसकी क्या गारंटी। और जिस तरह की चीजें हम कर रहे हैं वो तो तुम देख ही रहे। तो ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, बस हमें दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। तो जो हम गैलेक्सी की बात कर रहे थे कि हमारे सूरज के जैसे करोड़ों ग्रह और ऐसी हजारों गैलेक्सीज को मिलाकर एक क्लस्टर बनता है, और ऐसी हजारों क्लस्टर्स की मिलाकर एक गैलेक्सी बनता है, एक ब्रह्मांड बनता है, यूनिवर्स बनता है। और उसमें भी ब्रह्मांड विज्ञान के पास इतने ज्यादा अलग 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 थ्योरी से तुम सोच भी नहीं सकते। 2014 में एक हॉवर्ड के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है ये एक ब्लैक होल के भीतर है। हाँ, उसने लिखे भाई, मैं नहीं बोल रहा, 2014 में उसने ऐसी थ्योरी पब्लिश भी कर दी। उसने कहा कि जिस तरह की गतिविधियां उसने स्टडी की, उसने कहा कि ये ब्लैक होल के भीतर चल रहा है ब्रह्मांड, ये कहीं अलग है, कुछ हम समझ नहीं पा रहे। अभी रिसेंट डिस्कवरीज हुई, विज्ञान ने यह पाया कि ऐसा गोल नहीं है, यूनिवर्स कोई गोल नहीं है, नट जो होता ना, वो डोनाल्ड, वो डोनाल्ड के शेप में है, मतलब मेदुड़ा, मेदुड़ा क्या कर रहा है,
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसेंट हुई हुई डिस्कवरीज है, विज्ञान खुद कंफ्यूज है। तो ये समझो कि विज्ञान की जो देखने की चीजें है वो सीमित है। कोई थ्योरी रखता है, फिर कुछ सालों के बाद उसको प्रूव होता है। हम डिपेंडेंट है नेचर पर, किस तरह से वो बिहेव करेगा। हम अंदाजा लेते हैं हमारी आज तक की देखी हुई चीजों के साथ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा ही है ये कोई नहीं कह सकता। जिस दुनिया का कोई भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं है जो ये कह दे कि ऐसा ही है, बिल्कुल वो कहता है कि इसमें संभावना है सुधार की। तो ये जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का पूरा भूत चढ़ा था विज्ञान की दिमाग पर एक समय तक, कुछ समय के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि नहीं, नहीं हो सकता, ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जैसा कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग आज भी लगे पड़े हैं, लेकिन जिसके पास समझ, बुद्धि और थोड़ी भी क्यूरियोसिटी नाम की चीज बची है, वो ऐसा कुछ है जो अभी तो हमने कुछ थोड़ा समझना शुरू किया। तो विज्ञान की भाषा मत कर लेना ये ज्योतिष शास्त्र, इतना ही समझना कि विज्ञान अभी उतना चढ़ा नहीं है कि इस सूरज को देख पाए। विज्ञान के पास उतनी क्षमता नहीं है कि इन चीजों को समझ पाए। ये उसी तरह से देखना कि एक समय था जो विज्ञान कहता भूत प्रेत नहीं है, आज सर भूत प्रेत नहीं है। फिर दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में पैरानॉर्मल साइंस के ऊपर क्यों पढ़ाया जा रहा है, मास्टर्स किया कराया जा रहा है, पीएचडी तक कर रहे हैं लोग पैरानॉर्मल साइंस पर। तो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी है क्या? ये भूत प्रेत का ही विज्ञान है। जस्ट बिकॉज कि तुम उसे देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है बाबू जरा उन लोगों को जाके मिलो जिनके आग में घुस के पूरा का पूरा तांडव करके आए हो। फिर अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले लोग किधर जाते हैं? फिर तो दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। मेरे गांव के पास एक भैरव बाबा एक मंदिर है 10-12 किलोमीटर दूर, करे कुंता रहते वेताल बाबा का, ठीक है। वो वेताल बाबा के मंदिर के पास ऐसे लोग आते तुम देख के हल जाओगे। ऐसी लुकड़ी लाकड़ी लड़की मैंने खुद देखी, ऐसी लुकड़ी लाकड़ी फूक मार से उड़ जाएगी, वो चार चार पांच पांच बंदों को फेंक रही। अरे बबलू आता आता। कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो विज्ञान अभी नहीं समझा। इतनी ही समझने की बात है, विज्ञान को स्टक मत हो जाना। ऐसा मत कहना नहीं नहीं विज्ञान ने इसको माना नहीं। अरे बबलू विज्ञान कोई किताब थोड़ी है जो इतनी ही है कि इतना ही है, उसमें कोई और कुछ नहीं बन सकता। ये तो इंप्रूवमेंट की दशा है। रोज रोज जिस तरह के एक्सपेरिमेंट या जिस तरह की चीजें हमें समझ रही है, हम समझ कर खुद को आगे कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो आज चीजें हमें समझ नहीं रही वो है ही नहीं या वो झूठ है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बस तुम्हारे समझ में नहीं आ रही इसलिए वो झूठ है। आज तक पिछले अगर 50 साल के पहले की बात करो तो मंत्र विज्ञान के बारे में भी कोई नहीं समझ पाता था, विज्ञान यही कहता था ना ना ना। लेकिन जब साइमेटिक्स जैसे डिपार्टमेंट्स बने और दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स उन चीजों पे चले, तब विज्ञान को ये समझ आया कि नहीं कुछ तो ये काम कर रहा है इंसान। ये वैसे ही है जैसे अगर मैं आज के 100 साल पहले या 150 साल पहले किसी इंसान को कहूँ कि ऐसे डब्बा होता है गोल ऐसा ओवल, उसमें बैठ के ऐसा उड़ सकते, लोग मेरे को झूठा बोल के जला देंगे। बात सच, तुम क्या काई फेंक तलेगा, ईद को ही नहीं फेंकाओ कि डब्बा आए बंद होते चल बसून उठता है। 150 साल पहले अगर मैं ये चीज कहता तो तुम मुझे गाली नहीं मारते, बिल्कुल मारते। अगर मैं आज कहूं तुम बोलेंगे तू क्या, हम भी बैठ के उड़ सकते। ये क्या है? ये पॉसिबिलिटीज है। ये क्या है? ये रुखापन नहीं, ये जानने की क्षमता ने इन चीजों को निर्मित किया है स्टक होने के लिए। अगर विज्ञान तुम्हें बांध दे तुम्हारी देखी हुई चीजों को ऐसा कर, नहीं विज्ञान इसे मानता नहीं, मैं लिख कर देता हूं तुम्हारे पास वैज्ञानिक बुद्धि नहीं है, ना ही वैज्ञानिक नजर है, तुम्हारे पास छोटी मोटी सेंस भी नहीं बची। अब ये विज्ञान के नाम पर तुम पूरे के पूरे अनसेंसिटिव हो चुके अपने जीवन। विज्ञान तुम्हें क्यूरियस करता है, साइंस तुम्हें क्यूरियोसिटी बढ़ाता है कि यार कुछ तो है, अननोन है, पता करेंगे चलो क्या है इसके पीछे का राज। अगर तुम्हें ऐसी दशा उपलब्ध नहीं हो रही है चीजों के प्रति, तो तुम समझना कि इस विज्ञान ने तुम्हारे साथ उल्टा काम किया, तुम जड़ हो चुके, तुम बेवकूफ हो चुके। तो ज्यादा विज्ञान विज्ञान मत करना, क्योंकि अब अगर मैं आज कहूं तुमसे कि एक जगह से मैं दूसरी जगह पर डायरेक्ट पहुंच सकता हूं, या ऐसी मशीन बनाई जा सकती है कि मैं यहां से पैर डालू और दिल्ली में पहुंच जाऊं दूसरे मिनट में, तो हो सकता है कि तुम कहोगे कुछ भी फेंक रहा। लेकिन जो लोग विज्ञान में या न्यूक्लियर फिजिक्स पे काम करते हैं और जिन्होंने क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसी थ्योरी पे बहुत काम किया है, वो कहेंगे कि हो सकता है ये थ्योरेटिकली प्रूव्ड है, ये प्रैक्टिकली अणु लेवल पर प्रूव्ड है, एटॉमिक लेवल पर इसको प्रूव किया जा चुका है।
तो ये मैटर लेवल पे, बड़े लेवल पे भी किया जा सकता है। ये वैसे ही है जैसे आज अगर कागज का प्लेन उड़ सकता है तो कल बड़ा। इसलिए जब बड़ी चीज बनाने प्रोटोटाइप मॉडल बने, वैसे ही है। तो अगर 100-150 साल के बाद विज्ञान अगर उस जगह पे चले जाए कि वो यहां से वहां डायरेक्ट पोर्ट कर पाए खुद को, नई बात नहीं होगी उस वक्त के लिए। जस्ट बिकॉज कि हम वहां तक अभी पहुंचे नहीं इसलिए वो चीज हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है बबलू। बबलू अभी छोटा है।